आईआईटी 2016 का एडवांस का क्वेश्चन जो मैट्रिक्स है, तो इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम। पी मैट्रिक्स गिवेन है और क्यू मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्यू वन क्यू आई जे है, तो पी इज इक्वल टू 3 -1 -2 और क्यू मैट्रिक्स को हमने माना यहाँ पे 2 0 α 3 -5 0। क्यू मैट्रिक्स को हम लोग मान लेते हैं Q11 Q12 Q13 Q21 Q22 Q23, Q31 Q32 और Q33। क्यू मैट्रिक्स को हमने माना P और Q मिला, तो P इंटू Q इज इक्वल टू के आई गिवेन है, तो P इंटू Q इज इक्वल टू के आई मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ये Q23 गिवेन है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3Q13 - Q23 - 2Q33 और थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के पोजीशंस पे जीरो आ जाएगा, फिर 2Q13 - 0 × Q23 और प्लस α × Q33 दिस इज आल्सो जीरो, और फिर आ जाएगा 3Q13 - 5Q23 + 0 × Q33 इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अब देखो तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलेंगे तो 3Q13 और -5K23 का रिजल्ट गिवेन है -K/8 और जीरो आ जाएगा, सो के आ जाएगा 3Q13 इज इक्वल टू K -5K/8, तो दिस इज द 5K 3K/8 आ गया, तो Q13 का रिजल्ट आ गया Q13 इज इक्वल टू K/8 Q13, मतलब हम यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से 3Q13 - 2Q23 इक्वल टू 2Q33, तो 3Q13 की जगह पर K/8 पुट कर देते हैं, -2K3 की जगह -, तो +K/8 आ जाएगा, दिस इज 2Q33, तो 4K/2 आ जाएगा Q33, तो Q33 का रिजल्ट आ गया K/2Q है, तो K/4 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो सारा ये हमारे पास रिजल्ट आ गया Q13 Q23। अब यहाँ पर चलेंगे फ्रॉम सेकेंड 2Q13 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, Q13 का रिजल्ट निकलेगा K/8 और ये तो Q23 जीरो आ गया, +α Q33 का रिजल्ट आ गया K/4 = 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे K/4 कॉमन लेंगे, 1 + α = 0, सो अल्फ़ा की वैल्यू -1 आया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं पे देखें अल्फ़ा की वैल्यू 0 और K, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, और फिर सेकेंड और थर्ड तो फोर्थ चेक करेंगे तो हमारे पास देखो, तो अब सेकेंड नंबर चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ पी, यहाँ पर एक कंडीशन यही दिया के की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट सिंस है पी इंटू क्यू इज इक्वल टू के आई, अब वेयर आई द थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, पी द थर्ड ऑर्डर है, क्यू थ्री और थर्ड ऑर्डर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू के क्यू आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ के की जगह पर मालूम है डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू K²/2 दैट इज द के क्यू, तो ये कट जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 2K, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी मालूम हो गया 2K, डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमें मालूम हो गया क्यू के, अब क्या कंडीशंस मालूम कर सकते हैं हम,
तो अल्फा की वैल्यू देखो, तो अल्फा की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ पी मालूम है। सिंस अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट कर दे पी इज इक्वल टू, अब 9 पी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3 -1 -2 2 0। अल्फा के जब -1 पुट कर देंगे 3 -5 और 0, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू जो हमें मालूम होता है डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 0 + -5 आ जाएगा, फिर -1 × 0 और +3 आ जाएगा, फिर -2 × -10 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3 माइनस हो गया, -1 × ये कर दिए तो 0 और -+3 आ जाएगा, -2 × -10 आ जाएगा, तो दिस इज द -15 और -3 और +20 18। दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 18 2 मिल रहा है। तो सो पी इज इक्वल टू क्या, पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 2, तो के इज इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 2k तो के इज इक्वल टू 1। शायद यहाँ पे देख ले फिर से डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू निकालते हैं, 3 -1 2 2 0 अल्फा के जगह -3 -5 0, तो -3 3 × 0 -5 -5 सही है, -1 सॉरी दिस इज द +1 हो जाएगा, दिस इज द +1 तो 3 + 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। द डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 12 -12 अब दिस इज द 8, दिस इज 8 तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 8 इज तो 8 इज इक्वल टू 2k तो k इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चेक करो, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या कि 4 × अल्फा अल्फा 4 × अल्फा अल्फा की जबर -1 पुट कर देंगे, के जबर 4 पुट कर देंगे और +8 तो दिस इज इक्वल टू -4 -8 + 8 = 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी चेक करने के लिए पहले ही देखोगे डिटरमिनेंट ऑफ पी एडजॉइंट ऑफ, ऐसा कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर एन माइनस वन फार्मूला होता है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ पी पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है यानी जो ऑर्डर होता है तो थर्ड ऑर्डर तो थर्ड -1 2 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू हमें कितना मिला था 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू, डेट इज द डिटरमिनेंट ऑफ पी हमें मालूम चल गया डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 8 गिवेन है, इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू हमें क्या मालूम हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू स्क्वायर, डेट इज द डिटरमिनेंट ऑफ क्यू मालूम किया ना हमने, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू गिवेन है 8k² / तो के पर 4/4 तो 4 2 जा, अब तो ये आ गया 2, के पर 4 मतलब के इज इक्वल टू 4 है, तो 4 का 4 पावर 4 दैट इज द 2 पर यहाँ पर 2 पर 2 और 8 और 9 2 पर 9, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं आएगा, तुम्हारे पास ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट, बी एंड सी इज द करेक्ट, ए और डी इज नॉट करेक्ट।